आज के कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के उपनेता, राजस्थान में सरकार में कई वरिष्ठ मंत्रालय को संभालने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, डॉक्टर एमएल सोनकार साहब, पूनिया साहब, सूद साहब, अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर राम गुलाटी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सौरभ जैन जी, सभी चिकित्सकगण इस गुलाबी नगरी जयपुर में, मैं आप सभी चिकित्सकगण का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। समर्पित भाव से जिस तरीके की आप सेवा करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, लोगों की जिंदगी के बचाने का काम करते हैं और निश्चित रूप से हर डॉक्टर की मानसिकता रहती है कि मैं मेरे मरीज के लिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स करूं, प्रयास करूं और स्वाभाविक रूप से जब मरीज ठीक नहीं होता है तो मन व्यथित और पीड़ित होता है। इससे सही कहा डॉक्टर शरणकांत साहब ने कि डॉक्टर अपने काम के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से भी, संवेदना के आधार पर भी कहीं न कहीं टेंस में रहता है, दबाव में रहता है, लेकिन इस दबाव को भी कम करना है और समाज को एक दिशा भी देनी है और आपने इसके लिए जिस तरीके से खेल के मैदान में अलग अलग खेल खेलकर समाज को प्रेरणा दी कि हमें जीवन में तन से, मन से, शरीर से अगर स्वस्थ रखना है तो हमारी परामर्श तो मानना ही है, लेकिन जिस तरीके से हम भी खेल खेलते हैं, समाज का हर व्यक्ति खेल के मैदान में जाए और उसका तन मन स्वस्थ रहे, इसके लिए निश्चित रूप से आपके खेल पूरे संपूर्ण समाज को एक प्रेरणा देने का काम करेगा। ये बात सही है कि खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कभी भी कोई डॉक्टर्स के यहाँ जाए, चाहे डायबिटीज हो जाए, हाई ब्लड हो जाए, कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम हो जाए, तो हर डॉक्टर एक ही सलाह देता है कि कुछ घुमा करो, कुछ खेला करो। ये स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति बीमार हो जाता है जब डॉक्टर की सलाह मानता है, अगर वह जिंदगी के अंदर जिस तरीके से पूर्व में स्कूल के अंदर लोग खेल के मैदान में आते थे, बच्चे खेलते थे, उस प्रवृत्ति, उस संस्कार को वापस लाने की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे 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 तकनीकी ने, कंप्यूटर ने, विज्ञान ने कहीं न कहीं लोगों की दिनचर्या को परिवर्तन किया है। मैं एक दिन ऐसे ही सिंगापुर था तो मैं रोड पर गया तो मेरे साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट के संसदीय शिष्टमंडल था, मैंने कहा देखिए कितने लोग चलते हुए मोबाइल पर बात करते हैं और मैं दंग रह गया। हमने जितने लोग देखे वे चलते हुए मोबाइल में बिजी था, कोई इधर बैठा था मोबाइल में बिजी था, तो उधर बैठा था मोबाइल में बिजी था, एक बच्चे को माँ खिला रही थी तो वो मोबाइल देखते हुए खा रहा था,
तो व्यक्ति के जीवन के अंदर दिनचर्या में इस मोबाइल ने कितना परिवर्तन कर दिया, ये बहुत चिंता का विषय है। और इस चिंता को दूर करने की जिम्मेदारी आप सब लोगों पर है कि आप कहें कि हम भी इतने बिजी शेड्यूल, इतने तनाव में होने के बाद भी खेलते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये खेल प्रतियोगिता प्रेरणा भी देगा और इस समाज में एक सामाजिक परिवर्तन भी देगा। सही कहा राठौड़ साहब ने कि समाज में चाहे कितना भी परिवर्तन हुआ हो, कितनी भी समाज में नैतिकता की कमी आई हो, लेकिन फिर भी आज भी डॉक्टर का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। और हर मरीज डॉक्टर को भगवान मानता है और डॉक्टर का भी प्रयास रहता है कि जो मेरे प्रति आस्था, विश्वास, भरोसा है, मैं उस आस्था, विश्वास, भरोसे को कायम रखूं। और इसीलिए अपने कई बार संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी हम बेहतर परिणाम नहीं ला सके, लेकिन इस कोरोना वैश्विक महामारी ने हमारे प्रति और श्रद्धा, विश्वास, भरोसे को बढ़ाया। देश में जिस तरीके से कोरोना संकट के समय हमारे डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी ने, तमाम सफाई करने वाले व्यक्ति ने जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर इस संकट से मानव को बचाने का काम किया, इसके लिए देश भर के चिकित्सकों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भरोसा और बढ़ा है। क्योंकि वह संकट ऐसा संकट था कि परिवार का व्यक्ति भी परिवार के व्यक्ति से नहीं मिल रहा था। उस समय कई डॉक्टर तो 12-12 घंटे, 10-10 घंटे कोरोना किट पहनकर किस तरीके से मानवीय सेवा का पुनीत कार्य कर रहे थे। मैं इस मौके पर आप सभी चिकित्सकों को विशेष रूप से साधुवाद दूंगा जिन्होंने भारत में डॉक्टरों की प्रतिष्ठा, विश्वास, भरोसे को कायम रखा। मुझे आशा है कि विश्वास, भरोसा हम कायम रखेंगे और जिस तरीके के समाज की धारणा अपने प्रति है और जिस तरीके का विश्वास जनता का हमारा है, उस विश्वास को हम और बेहतर तरीके से करने का काम करेंगे। और इसीलिए मैं सोचता हूं कि दुनिया के अंदर कोरोना के प्रति, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे मेडिसिन हो, हर चीज में हमारे डॉक्टर्स, रिसर्च करने वाले डॉक्टरों ने जिस तरीके का काम किया, उससे दुनिया के अंदर भारत की विशेषता प्रमाणित होगी। उन विकसित देशों के अंदर जहां विज्ञान, रिसर्च हमसे बेहतर होती थी, लेकिन हमारे इन्हीं भारत के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके की इतनी जल्दी वैक्सीनेशन बनाकर और वैक्सीनेशन की सफलता को भी जिस तरीके से कायम किया, निश्चित रूप से भारत के विज्ञान पर, उनके रिसर्च करने वाले पर, डॉक्टरों पर दुनिया का विश्वास, भरोसा और जमा है। और इसीलिए इस बार WHO ने जिस तरीके से हमारे आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्थ वर्कर के प्रति ग्लोबल हेल्थ लीडर के अवार्ड से सम्मानित किया, ये भारत के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, मेरा मानना है कि मैं चिकित्सा मंत्री तो नहीं रहा, लेकिन मैं 3 बार विधायक रहा हूं और आज भी मेरा नजदीक चिकित्सक, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है,
मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर के जयपुर के डॉक्टरों का विश्वास और भरोसा बहुत है। मुझे कई बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सराउंडिंग इलाके से लोग आते हैं और वो जयपुर इलाज कराने आते हैं, तो निश्चित रूप से जो विश्वास भरोसा हमारे वरिष्ठ चिकित्सकों के प्रति जनता का है, हमें उस विश्वास भरोसे को और कायम रखना चाहिए। हम किस तरीके से आने वाले समय के अंदर राजस्थान को मेडिकल हब बना सकते हैं, दुनिया के अंदर भारत एक मेडिकल टूरिज्म का सबसे अच्छा, सस्ता, सुलभ और सुरक्षित इलाज करने का केंद्र बनता जा रहा है। मैं अभी दुबई गया था तो दुबई में जो मेरे साथ एफएनसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां पर एफएनसी कहते हैं, एक महिला थी, उस महिला ने कहा कि मैं इलाज कराने या मैं डिलीवरी कराने बॉम्बे जाती हूं। तो भारत के प्रति लोगों का विश्वास, जितनी भी कंट्रीज है, आसपास की कंट्रीज है, आप चले जाएं वो सारे के सारे इलाज करें। मालदीव के स्पीकर आए थे पिछली बार, उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादातर नहीं 90% लोग इलाज कराने भारत में आते हैं। तो भारत के चिकित्सकों के प्रति बहुत विश्वास भरोसा है, क्योंकि हम राजस्थान के, इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान मेडिकल टूरिज्म का बड़ा हब बने। और किस तरीके से आप सबके प्रयासों से हम एक मेडिकल हब बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए जहां आवश्यकता होगी राज्य सरकार से भी बात करेंगे, केंद्र से भी बात करेंगे, और एक मेडिकल हब हम जयपुर को बनाएं ताकि देश विदेश के मरीज जयपुर में आए, जयपुर पर्यटन के रूप में पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इसकी पहचान है। मेडिकल हब में भी उसकी पहचान उसी विशेषता प्रमाणिकता से बने, इसके लिए भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से योग आयुर्वेद की चर्चा राजेंद्र राठौड़ साहब ने की है, मैं भी वियतनाम गया था, चाहे वियतनाम चले जाएं, कंबोडिया चला गया, सिंगापुर चला गया, मैं पिछली बार जर्मनी गया था, जापान गया था, सारी दुनिया के अंदर जिस तरीके से योग के प्रति लोगों का आकर्षण बना है, आयुर्वेद के प्रति लोगों का आकर्षण बना है, और मैं तो कहता हूं कि कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसमें मैं गया हूं कि योग के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा नहीं। और यह विश्वास भरोसा कायम करने में डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं कि कभी कोई बात होती है आप योग किया करें, योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है और प्राचीनतम पद्धति को वापस हम अपना रहे हैं, इसलिए योग का चिकित्सा से संबंध आपने जोड़कर भारतीय योग पद्धति को दुनिया के अंदर पहुंचाने में अगर किसी का योगदान है तो भारत के चिकित्सकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम इसमें और क्या नया रिसर्च कर सकते हैं, इस पर रिसर्च कर हम अगर रिसर्च पेपर निकालें, मैं कभी देखता हूं कि मैं रोज अखबार पढ़ता हूं तो कभी ब्रिटेन का रिसर्च आता है, कभी अमेरिका का रिसर्च आता है, मेरा भी मन करता है कभी कभी हिंदुस्तान के डॉक्टर्स का भी रिसर्च पेपर निकलना चाहिए। और ये हमें कोशिश करना चाहिए समय समय पर कि हमारी, मुझे पता है कि डॉक्टर बहुत बिजी हैं पेशेंट देखने में, इनमें सब में, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर परिणाम हमें लाना चाहिए कि बीमारी होने के क्या कारण है और बीमारी होने से बचाव का उपचार लोग आजकल ढूंढना चाहते हैं। लोग बीमारी के बाद तो जाते हैं, लेकिन आप अगर बीमारी के बचने के उपचार अगर लोगों को बताने लगेंगे तो लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लोग ज्यादा उसको अपनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति आज स्वास्थ्य के प्रति सजग हुआ है, सतर्क हुआ है, तो हमें जब स्वास्थ्य के प्रति सतर्क और सजग हुआ है तो बीमारी होने के क्या क्या कारण है, क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में भी समय समय पर हमारे जयपुर के चिकित्सकों की
रिसर्च पेपर निकलना चाहिए, लोगों को जानकारी मिले, तो मुझे लगता है कि हम और लोगों को चिकित्सा की सही जानकारी दे सकते हैं। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने एक नई संस्कृति शुरू की है और आपकी इस नई संस्कृति से जितने भी देश के अंदर हर जिले के अंदर ये खेल प्रतियोगिता डॉक्टरों की होगी तो सामान्य व्यक्ति को भी लगेगा कि ये डॉक्टर भी खेलता है तो मैं भी खेल के मैदान में जाऊं, क्योंकि स्वस्थ होने का एकमात्र रास्ता है। तो मुझे लगता है कि आपके इस खेल से समाज को एक नई प्रेरणा मिलेगी, दिशा मिलेगी। तो मैं इसके लिए सभी चिकित्सकों को जो खेल के मैदान में गए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और किस तरीके से हम यहां पर बेटर खेल के मैदान बना सकें, हर जिले के अंदर इसके लिए इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना सरकार की है और सरकार चाहती है कि 3 साल में हर जिले के अंदर इंडोर स्टेडियम बन जाए, क्योंकि जयपुर राजस्थान का है, इसलिए राठौड़ साहब सरकार के ध्यान में लाएंगे कि किस तरीके से हम यहां पर खेल के मैदानों को इंटरनेशनल स्तर पर विकसित कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई प्रदेशों के अंदर उनकी सरकार ने एक एक खेलों के प्रति जिस तरीके से एकेडमी खोलकर और सरकार ने जिस तरीके का काम किया है, चाहे वो पिछड़े प्रदेश हो लेकिन खेल के लिए उनकी जो इस तरीके से रुचि है और जिस तरीके से सरकार के प्रयास हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार को भी इसी तरीके के प्रयास करना चाहिए और जहां आवश्यकता होगी केंद्र उनकी मदद करने के लिए तैयार है, ताकि हम हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर, गांव के अंदर खेल मैदान सुरक्षित खेल मैदान बना सकें, ताकि समाज को स्वस्थ बना सकें। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।